एलआईसी की अदानी समूह के शीर्ष प्रबंधन से मुलाकात जल्द। एलआईसी के चेयरमैन ने नहीं की ये बात। एलआईसी चेयरमैन एमआर कुमार ने गुरुवार को बताया कि एलआईसी के अधिकारी जल्द ही अडानी ग्रुप के प्रबंधन से मुलाकात करेंगे। बता दें कि सार्वजनिक बीमा कंपनी एलआईसी ने अडानी समूह में भारी निवेश किया हुआ है। अमेरिकी वित्तीय फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आ रही है, जिसके चलते विपक्षी पार्टियां एलआईसी के फैसले को लेकर सवाल उठा रही हैं। जानेंगे कि ग्रुप और मार्केट में क्या चल रहा है। एमआर कुमार ने गुरुवार को बताया कि हमारी निवेशक टीम ने अडानी समूह से स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही हमारे उच्च प्रबंधन के अधिकारी भी जल्द अडानी समूह प्रबंधन से मुलाकात कर सकते हैं। कुमार ने कहा कि हम जल्द ही उन्हें फोन करेंगे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि ग्रुप और मार्केट में क्या चल रहा है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर लगाए थे ये आरोप। बता दें कि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर शेयरों की कीमतों में हेरा फेरी करने, ऑफशोर सेल कंपनियां चलाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद से अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, साथ ही विपक्ष ने अडानी समूह में एलआईसी और SBI द्वारा भारी निवेश करने पर सवाल खड़े किए हैं। अडानी समूह 20,000 करोड़ रुपए का FPO लाया था। उससे 3 दिन पहले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिससे हंगामा हो गया और उसके बाद से अडानी समूह के शेयरों में करीब $100 बिलियन या करीब 60% की गिरावट आ चुकी है। कंपनी के स्टॉक्स में तेजी आई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद घिरे अडानी समूह की कंपनियों के तिमाही के नतीजे भी जारी हो गए हैं, जिसमें संकट के बावजूद अडानी ग्रुप की अडानी विल्मर के कुल लाभ में दिसंबर तिमाही में 16.5% का उछाल आया है। कंपनी के स्टॉक्स में भी तेजी आई है।